बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 40x34। जो उसकी फ्रंट और बैक है वो हमारी 40x6 इंच है और जो उसकी डेप्थ है वो हमारी 34x6 इंच है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 BHK सेट। इनको 3 बेडरूम चाहिए जो कि हमने बना दिए हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम आपको मैप बना करके देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसमें कितनी भी चेंजेस करवा सकते हैं जब तक वो आपको पसंद ना आए। उसके बाद आपको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन गेट है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलती है पोर्च, जिसका साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 10x16x4 इंच की हमने पोर्च दी हुई है इनको। यहाँ पर इनकी कार की पार्किंग आराम से हो जाएगी। उसके बाद आपको सामने देखने को मिलता है जीना यानी कि स्टेयरकेस, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाता है। ये हमने 3.5 फीट का दिया हुआ है। अब बात करते हैं बेडरूम की। आप चाहे तो इसको ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, लेकिन इनको ड्राइंग रूम नहीं चाहिए था, इन्होंने बेडरूम ही इसको बना लिया है। वैसे ये ड्राइंग रूम कहीं, अगर ये ड्राइंग रूम बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इस एक डोर है हमने बेडरूम का यहाँ से दिया हुआ है और दूसरा डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ हमारा 14x13 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए हमने 5 फीट की विंडो लगाई हुई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। उसके बाद 5 फीट 3 इंच का हमने आप इनको गैप दिया हुआ है। यहाँ ये पैसेज है इनकी, आप यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको बीच में देखने को मिलती है लॉबी, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 15x6x14 फीट की हमने लॉबी दी हुई है। लॉबी के इस साइड आपको देखने को मिलती है सबसे पहले पूजा रूम, जिसका साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 5x6 फीट की हमने इनको पूजा रूम भी दे दी है। लॉबी के उस साइड आपको देखने को मिलती है लेट और बाथ, बाथ का साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 5x5.5 फीट के हमने बाथ दिया हुआ है। बाथ के बराबर में ही आपको देखने को मिलती है लेट, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। लेट का साइज हमारा 4x4 फीट की हमने इनको लेट दे दी है। उससे आगे आपको देखने को मिलता है बिल्कुल ओपन 5x9x5x6 इंच का हमने इनको ओपन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने इनको एक डोर भी दे दिया है। लॉबी के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर इनको विंडो दे दी है ताकि यहाँ से लॉबी का फुल वेंटिलेशन हो जाए। उसके बाद चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम पर। सेकेंड बेडरूम का हमारा डोर ये रहा, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 11x14 फीट का ये बेडरूम है। इस बेडरूम में हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ इनको यहाँ पर विंडो भी दे दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम पर। तो थर्ड बेडरूम का डोर हमारा ये रहा। इस बेडरूम का साइज़ हमारा 11x13 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर इनको विंडो दे दी है 5 फीट की ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। इसी के साथ हमने इससे अटैच की हुई है स्टोर, इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि स्टोर अटैच होना चाहिए, जो कि हमने कर दिया है। स्टोर का साइज़ हमारा 6x8x3 इंच का हमने इनको स्टोर दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है किचन, इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस किचन का साइज़ है इनका 9x11 फीट की हमने इनको किचन दी हुई है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एल साइज की स्लेप, जो कि हमने डाली हुई है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है 2 फीट की ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो 40x34 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप हमको बताइएगा, हम आपको मैप बना करके सेंड कर देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में से पिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।